जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन की, जिन्होंने कहा है कि बदनवान हुकूमत का सबसे बड़ा सहारा नवाज शरीफ हैं। उन्हें लतीफ खोसा की बतौर गवर्नर पंजाब तकर्री की मुखालफत करना चाहिए थी। वो लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में कारकुनों की तरबियती वर्कशॉप के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को मुतनाजिया बयानात नहीं देने चाहिए थे, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाकया पेश आया। सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके उससे निजात हासिल कर ले। उनका कहना था कि ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात से मसाइल हल किए जाएं। अगर नवाज शरीफ साहब को ये बोलने का वक्त तो ये था जब वो कहते कि खोसा का तकरीर हम नहीं मानते गवर्नर की हैसियत, इसलिए कि वो करप्ट आदमी। लेकिन वैसे नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि 3 साल आपने करप्ट लोगों को मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है, उनकी अकलियत के बावजूद उनको हुक्मरान तस्लीम किया है, कौन सी करप्शन के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि एएनपी ने हमेशा साम्राज्य कुव्वतों का साथ दिया है,